जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना चिनू सैदपुर एक बार फिर आपके साथ। चिनू सैदपुर फिजिकल ट्रेनिंग फाउंडेशन मोदीनगर में आपका स्वागत है। आज फिर हम आपके साथ एक मोटिवेशनल वीडियो के साथ हैं और आपको एक खुशखबरी देनी है। तो आज संडे का दिन है, आज हमारे वर्कआउट की वीडियो नहीं आएगी और आज हमारी मोटिवेशनल वीडियो आएगी। और दोस्तों हम आपको बता दें, जैसा कि सुबह को हमारी जो वीडियो आती है वो वीडियो आती है 9 बजे, वो वीडियो आती है वर्कआउट की, और शाम को जो हम वीडियो लाएंगे वो लाएंगे मोटिवेशनल वीडियो। मोटिवेशनल वीडियो मोटिवेट करने के लिए, वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, भर्ती के क्षेत्र में, रेस के क्षेत्र में, और आपको एजुकेशन के क्षेत्र में। तो हम आपको बताना चाह रहे हैं दोस्तों कि आज आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जो जाट रेजिमेंट में 4 अक्टूबर से भर्ती स्टार्ट है, जाट रेजिमेंट में 4 अक्टूबर से भर्ती स्टार्ट है खेल कोटे की और रिलेशन की। तो हम आपको बताना चाह रहे हैं 4 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक ये भर्ती होगी, और ये भर्ती होगी हम आपको दिखा देंगे। हम आपको इस वीडियो के लास्ट में जो हमारे पास जो इसका जो परफॉर्मा है वो परफॉर्मा भी देंगे, वीडियो के लास्ट में हम आपको दे देंगे। तो दोस्तों आप निराश ना हो, भर्तियां चल रही हैं, बस रेली भर्ती ही नहीं आ पा रही है, रेली भर्ती के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष चल रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो जाट रेजिमेंट और जो रिलेशन के भर्ती देखने चाहता है वो जाट रेजिमेंट में जा सकता है। वो जाट रेजिमेंट में मैं आपको बता दूं, मेरठ जिले की भर्ती जो है वो है जाट रेजिमेंट में है, बागपत, बहराइच, सहारनपुर, संत कबीर नगर, ये तो है 5-6 अक्टूबर को। 7 अक्टूबर को है आपका इसमें चंदौली, देवरिया, सिद्धार्थनगर, कानपुर। और जो हमारी गाजियाबाद जिले की है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो हमारी गाजियाबाद जिले की है वो भर्ती है, आपको मैं बताना चाहता हूँ गाजियाबाद जिले की है 7 तारीख की, और मेरठ जिले और हापुड़ जिले की है 6 तारीख की। तो आपको मैं ये सारा जो परफॉर्मा है, ये जो आपका ये चिन्ह है, मतलब ये जो परफॉर्मा है टोटल आप देख सकते हैं, इसमें आप देखिएगा ये टोटल, ये मैं आपको वीडियो के अंत में ऐड कर दूंगा, तो आप इसको देख सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप निराश ना हो और डीमोटिवेट ना हो, और रेली भर्ती के लिए तैयारी करते रहें और लगातार निरंतर अभ्यास करते रहें। निरंतर अभ्यास से ही सफलता प्राप्त होती है, और निरंतर अभ्यास ही बहुत ज़रूरी है। निरंतर अभ्यास किसी भी क्षेत्र में निरंतर अभ्यास ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि निरंतर अभ्यास के करत अभ्यास थे जर्मत होत सुजान, और रसरी अवत जात थे सिर पर परत निशान। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि आप लोग कभी भी डिमोटिवेट ना हो और आप निरंतर अभ्यास में रहें। आपको जीतना है या सीखना है, हारना नहीं है, या तो जीतना है या सीखना है, आपको हारना नहीं है। हार मंजूर मत करो, जीतो या सीखो। तो दोस्तों आपको मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि रेली भर्ती नहीं आ पा रही है, तो आप जो अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं तो आप रिलेशन की भर्ती मतलब बरेली जा सकते हैं, और जो सभी राज्यों की भर्ती होगी वो सैनिक ट्रेडमैन की भर्ती जो होगी वो होगी सभी राज्यों की 13 अक्टूबर, और ये भर्ती चलेगी 4 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक। तो मैं आपको बता दूं कि आप अगर स्पोर्ट्समैन हैं और आपके पास स्टेट सर्टिफिकेट है और नेशनल पार्टिसिपेट है, स्टेट मेडल है, तो आप वहां पे जा सकते हो। और आपको मैं डॉक्यूमेंट्स और बताता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। नंबर एक, आपकी 10वीं की मार्कशीट। नंबर दो, आपका चरित्र अविवाहित। नंबर तीन, थाने से लिखा हुआ चरित्र। नंबर चार, आपको चाहिए जाति, और आपका को चाहिए जाति प्रमाण पत्र, और आपको मूल निवास ये, और प्रधान से लिखे हुए जो होता है वो क्या बोलते हैं उसे, चरित्र और अविवाहित, ये चाहिए। और एक स्टाम्प चाहिए नोटिफाई, और आधार कार्ड, और आपका पैन कार्ड भी अब यूज होने लगा है, और ये सारी चीज़ चाहिए। और जो भी कुछ चाहिएगी उसे वो हम कल शाम को वीडियो में बताएंगे, आपको टोटल जानकारी देंगे। और आज खट्टा डोला रेस है, वहाँ पे कंपटीशन जाएंगे, और 11 बजे या 12 बजे करीब एक वीडियो अपलोड करेंगे रेस की, 3 किलोमीटर रेस है। और शाम को हम अपनी वीडियो मोटिवेशनल वीडियो बनाएंगे एक, आपको बिल्कुल मोटिवेट डिमोटिवेट नहीं होने देंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल पर जाए, सब्सक्राइब करें जो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को अंत तक देखें। जय हिंद।